नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार है। कभी वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए पूतना का वध करते हैं, तो कभी नरकासुर जैसे राक्षसों का वध करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। या गोवर्धन की लीला हो या माता राधा के साथ उनकी रासलीला, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन क्या आपको पता भगवान श्री कृष्ण की कितनी बहनें थीं, उनकी बुआ कौन थी? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की बहनें भी थीं और उनकी बुआ भी थीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी बहनों और बुआ के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए और बेल आइकन में जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, उसको प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की बहनों के बारे में जानते हैं। और उनमें से एक बहन थी एकांगा। भगवान श्री कृष्ण की एक बहन का नाम एकांगा था। एकांगा यशोधरा की पुत्री थी। इन्होंने एकांत धारण कर लिया था और इन्हें यादव वंश की कुल देवी भी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें योग माया के नाम से भी बुलाते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण की दूसरी बहन के बारे में जान लेते हैं। उनका नाम था सुभद्रा। जी हाँ, सुभद्रा वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी की पुत्री थी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता थे और उनकी दो पत्नियां थीं। तो रोहिणी जो पत्नी थी, उनके गर्भ से सुभद्रा जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि बलराम जी रोहिणी माता के ही पुत्र थे। तभी तो जब सुभद्रा का हरण हुआ था तो बलराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। सुभद्रा से ही अर्जुन का विवाह हुआ था, लेकिन बलराम जी सुभद्रा का विवाह कौरव वंश में करना चाहते थे। लेकिन फिर अर्जुन से कैसे विवाह हुआ, उसे भी इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण की तीसरी बहन के बारे में जान लेते हैं। तो वो द्रौपदी। जी हाँ, पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, लेकिन वो उनकी सहोदर बहन नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मानस भगनी माना था, यानी मन से उन्हें अपना बहन माना था। भगवान श्री कृष्ण की चौथी बहन थी महामाया। जी हाँ, सुखदेव की कंस के कारागृह में कैद थे, उस समय इन माता का जन्म हुआ था। महामाया के जन्म के बाद जब कंस ने उन्हें मारना चाहा, तो वो विलुप्त हो गईं और आकाशवाणी हुई थी कि उसका काल जन्म ले चुका है। जी हाँ, ये वही महामाया है। महामाया का नाम विंध्याचल भी है। पौराणिक कथाओं में माँ का वर्णन मिलता है और कहते हैं विंध्याचल में वही महामाया विराजित है। माँ विंध्याचल के नाम से पौराणिक कथाओं में भी माँ की महिमा का गुणगान गाया गया है। आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बारे में बता देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का नाम था कुंती। जी हाँ, पांडव की पत्नी कुंती। आपको बता दें कि कुंती पंच कुमारियों में से एक थी, जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता था। कुंती यदुवंशी राजा सूर्यसेन की पुत्री थी। वसुदेव और सुत सुभा की बड़ी बहन थी, उस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण की बुआ हुई। और आपको ये भी बता दें कि कुंती के पिता सूर्यसेन थे और सूर्यसेन के बड़े भाई थे, जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज को पुत्र नहीं था कोई, तो कुंती भोज ने अपने भाई यानी सूर्यसेन की पुत्री कुंती को गोद ले लिया था। आपको ये भी बता दें कि कुंती को महर्षि दुर्वासा ने वरदान दिया था, जिसके चलते वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। तो माता कुंती के जो तीन पांडव पुत्र थे, वो देवताओं की कृपा से ही प्रकट हुए थे, माता कुंती के गर्भ से नहीं। अब आपको ये भी बता दें कि रोहिणी कौन थी। जी हाँ, तो रोहिणी वासुदेव जी की दूसरी धर्मपत्नी थी। वासुदेव जी यानी भगवान श्री कृष्ण के पिताजी। और रोहिणी माता ने ही बलराम और सुभद्रा को जन्म दिया था। माता रोहिणी ने देवकी के सातवें गर्भ को दैवी विधान से ग्रहण कर लिया था, उसी से उन्हें बलराम की उत्पत्ति हुई थी। यानी बलराम जी देवकी माँ के गर्भ में आए, फिर उसके बाद दैवी कृपा से वो रोहिणी माता के गर्भ में आ गए और रोहिणी माता ने बलराम जी को जन्म दिया था। आपको ये भी बता दें कि भगवान बलराम शेषनाग के अवतार थे। आइए अब चलते चलते आपको बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से कैसे हुई। तो एक बार रैप्तक नामक पर्वत पर एक बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई शूरवीर राजा आमंत्रित थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी इस आयोजन में पहुंचे थे। वहां पर सुभद्रा भी मौजूद थी। अर्जुन सुभद्रा भी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ गए। तब उन्होंने कहा कि सुभद्रा विवाह के लिए इनकार भी कर सकती है,
ऐसी स्थिति में उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने के विकल्प के बारे में भी बताया। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया। इस घटना से हड़कंप मच गया था। भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। इस पर बलराम को शक हुआ और भगवान श्री कृष्ण से इस शांति का अर्थ पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विनम्रता से कहा कि अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता है। अर्जुन का कुल भी उत्तम है। इस दृष्टि से सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में कोई दोष नहीं है, इसलिए युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए और अर्जुन के पास जाकर स्वयं ही सुभद्रा को दे देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को लेकर यदि हस्तिनापुर ले गए तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सभी के समझ में आ गई और स्वीकृति से सुभद्रा को अर्जुन को सौंप दिया गया। इस प्रकार से द्वारका में सुभद्रा का विवाह संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि सुभद्रा के ही पुत्र थे अभिमन्यु। तो दोस्तों, आपको ये रोचक और गूढ़ जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरे कृष्णा।